शांति। आज की तारीख है 30/11/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे हम बच्चों को दिव्य बुद्धि का। ओम शांति। आज की तारीख है 30/11/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक दिव्य बुद्धि देने वाले भाग्य विधाता मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा बोले मीठे बच्चे विशाल बुद्धि बन पूरे विश्व को दुख धाम से सुख धाम पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। अपना टाइम सेफ करना है, व्यर्थ नहीं गंवाना है। प्रश्न है इस ज्ञान मार्ग में हेल्दी कौन है और अनहेल्दी कौन है? उत्तर है हेल्दी वह है जो विचार सागर मंथन करते जीवन में रमणीकता का अनुभव करते हैं और अनहेल्दी वह है जिनका विचार सागर मंथन नहीं चलता। जैसे गौ भोजन खाती है तो सारा दिन उगारती रहती है, मुख चलता रहता है, मुख न चले तो समझा जाता है कि वो बीमार है। यह भी ऐसे है। धारणा के लिए मुख्य सार के दो धारणा बिंदु। नंबर एक, अमृत वेले उठ बाबा से मीठी मीठी रूरिहान करनी है। फिर भोजन खाते, कामकाज करते बाबा की याद में रहना है। देह के संबंधों को भूल आत्मा भाई भाई हूँ ये दृष्टि पक्की करनी है। नंबर दो, विकल्पों पर जीत प्राप्त कर दुख सुख से न्यारी निरसंकल्प अवस्था में रहना है। कायदेसिर सभी विकारों की आहुति दे योग युक्त बनना है। वरदान सतगुरु बाप दादा का श्रेष्ठ संस्कारों के आधार पर भविष्य संसार बनाने वाले धारणा स्वरूप भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि अभी के श्रेष्ठ संस्कारों से ही भविष्य संसार बनेगा। एक राज्य एक धर्म के संस्कार ही भविष्य संसार का फाउंडेशन है। स्वराज्य का धर्म व धारणा है। मन वचन कर्म संबंध संपर्क में सब प्रकार की पवित्रता। संकल्प व स्वप्न मात्र भी अपवित्रता अर्थात दूसरा धर्म न हो। जहाँ पवित्रता है वहाँ अपवित्रता अर्थात व्यर्थ व विकल्प का नाम निशान नहीं रहता, उन्हें ही धारणा स्वरूप कहा जाता है। स्लोगन दृढ़ता की शक्ति कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला देती है। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते
नमस्ते, ओम शांति।